नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। निर्वाचन आयोग ने रैलियों और रोड शो पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ाया। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 53 और मणिपुर के लिए 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 161 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सरकार देश में कृषि प्रबंधन में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कतर के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कुवैत के विदेश मंत्री अहमद नासिर मोहम्मद अल सबा से भी विचार विमर्श किया। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में। मौसम विभाग ने आज उत्तरी राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। 1989 के बाद से दिल्ली में जनवरी में कल सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड रहा। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला मालविका बांसौड से, और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बाद में इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर नेताजी की भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। इस प्रतिमा की स्थापना नेताजी की 125वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले समारोहों के अंतर्गत की जा रही है। ग्रेनाइट प्रतिमा देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। एक रिपोर्ट। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह के दौरान कुल मिलाकर 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में विभिन्न लोगों और संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा की सराहना और सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। पुरस्कार में एक संस्थान को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र तथा एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों को उचित तरीके से सम्मानित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इन प्रयासों के तहत विशेष रूप से ध्यान महान स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर रहा है। इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें यह घोषणा भी शामिल है कि हर साल उनकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इसी भावना से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत आज से हो रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।
फिल्म प्रभाग आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर दो वृत्त चित्रों का प्रदर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष भर चलने वाले समारोह के दौरान ये वृत्त चित्र दिखाए जा रहे हैं। दो वृत्त चित्र द फ्लेम बर्न्स ब्राइट और नेताजी आज फिल्म प्रभाग की वेबसाइट filmsdivision.org और इसके यूट्यूब चैनल पर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। इन फिल्मों में महान नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत की स्वाधीनता के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके पराक्रम और अनवरत संघर्ष का प्रदर्शन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि दे रहा है। उनके विचार और त्याग हर भारतीय को प्रेरित करते हैं। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैलियों और रोड शो पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। आयोग ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और इन राज्यों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने राज्यों में कोविड की मौजूदा और संभावित स्थिति की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने टीकाकरण की स्थिति और बूस्टर डोज के लिए कार्य योजना की भी समीक्षा की। आयोग ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को कुछ शर्तों के साथ बैठक करने की अनुमति होगी। इसके तहत खुले स्थानों पर 500 या बंद स्थान पर कुल सीटों की संख्या के 50% के बराबर लोग या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय सीमा में जो भी कम होगा 28 जनवरी से 8 फरवरी तक बैठक कर सकेंगे। आयोग ने घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी है। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कल रात 53 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य को बासपुर से उम्मीदवार बनाया है। सुमित हृदेश हल्द्वानी से, प्रीतम सिंह चकराता से और गणेश गोडियाल श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले पार्टी ने कल मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह थाउबल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने पार्टी के युवा घोषणा पत्र का प्रचार करने के लिए कल राज्य के सभी 75 जिलों में संवाददाता सम्मेलन किए। इस बीच बरेली से कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रवीण आरोन और उनकी पत्नी सुप्रिया आरोन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 161 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 61,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। कुछ विशेष वर्गों के लिए अब तक 79,78,000 से अधिक एहतियाती डोज लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.31% है। कृषि मंत्रालय ने कृषि में कार्यरत लोगों के लिए कम लागत वाली ड्रोन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत कृषि संस्थानों को कृषि ड्रोन की 100% लागत अथवा 10 लाख रुपए में से जो भी कम हो उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। खेतों में बड़े पैमाने पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के परीक्षण के लिए फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ICAR संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि उत्पादक संघ खेतों में ड्रोन की उपयोगिता के प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 75% अनुदान पाने के पात्र होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। निर्वाचन आयोग ने रैलियों और रोड शो पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ाया। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 53 और मणिपुर के लिए 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की।
राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 161 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सरकार देश में कृषि प्रबंधन में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कतर के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कुवैत के विदेश मंत्री अहमद नासिर मोहम्मद अल सभा से भी विचार विमर्श किया। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में। मौसम विभाग ने आज उत्तरी राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। 1989 के बाद से दिल्ली में जनवरी में कल सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड रहा। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला मालविका बानसोर से। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज केपटाउन में खेला जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ कल चर्चा की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर बातचीत की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्हें भारत कतर संयुक्त आयोग की बैठक की प्रतीक्षा है। श्री जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री अहमद नासिर मोहम्मद अल सबाह के साथ भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। दोनों देश भारत कुवैत संयुक्त आयोग की बैठक जल्द आयोजित करने पर सहमत हुए। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में होगी। ये परेड विजय चौक से सुबह 10:20 पर शुरू होगी और नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने परेड रिहर्सल के सुचारू संचालन के लिए व्यापक यातायात प्रबंध और प्रतिबंध के बारे में परामर्श जारी किया है। आज परेड रिहर्सल समाप्त होने तक विजय चौक से राजपथ पर किसी तरह के यातायात की अनुमति नहीं होगी। रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह मार्ग के राजपथ क्रॉसिंग पर आवाजाही नहीं होगी। इंडिया गेट, सी हेक जॉगन सुबह 9:15 से परेड पूरी होने तक और नेशनल स्टेडियम में सभी झांकियों के प्रवेश होने तक बंद रहेगा। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी, लेकिन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों पर आज दोपहर 12:00 तक मेट्रो में चढ़ने उतरने की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस बार समारोह का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस वर्ष के विजेताओं को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए डिजिटल प्रमाण पत्र देंगे। पिछले वर्ष के विजेताओं को भी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला मालविका बानसोर से होगा। बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में सिंधु ने पहला गेम आसानी से जीत लिया था, लेकिन दूसरे गेम में रूस की कोसेत्स्काया घायल होने के बाद मैच से हट गई। एक अन्य सेमीफाइनल में मालविका बानसोर ने अनुपमा उपाध्याय को हराया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज केपटाउन में न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दिन में 2:00 से शुरू होगा। क्रिकेट में भारत की अंडर 19 टीम ने कल युगांडा को त्रिनिडाड के तारोबा में अपने अंतिम ग्रुप बी के मैच में रिकॉर्ड 326 रन से हराकर विश्व कप में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत का सामना आज मस्कट में पूल ए के दूसरे मैच में जापान से होगा। यह मैच आज रात 8:30 से खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहब ठाकरे को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि श्री ठाकरे को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वे हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधी किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1-4404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये शब्द दुनिया भर में गूंज उठे और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आजाद हिंद फौज सागर का सीना चीरते हुए रवाना हुई। आज भी ये शब्द सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ये दिन पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और विद्यार्थी जीवन से ही देशभक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे। अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और मैरिट में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन जलियांवाला बाग के नरसंहार का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सिविल सर्विस का प्रशिक्षण बीच में ही छोड़कर वे 1921 में भारत लौटे। महात्मा गांधी के प्रभाव से वे स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए और देशबंधु चितरंजन दास के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। लोग बोस को प्यार से नेताजी कहते थे। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो नेताजी को क्रांतिकारी समूह बंगाल वॉलंटियर्स के साथ सहयोग के कारण पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद वे जेल में रहने के दौरान ही कलकत्ता के महापौर निर्वाचित हुए। उन्हें रिहा कर दिया गया और चिकित्सा के आधार पर रिहा होने से पहले कई बार गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद उन्हें 1930 के दशक के मध्य में यूरोप जाने की अनुमति मिल गई। सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की यात्रा में भारतीय विद्यार्थियों से मुलाकात की और भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय राजनेताओं से भी मिले। इस दौरान उन्होंने शोध किया और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। ये पुस्तक 1935 में लंदन में प्रकाशित हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस भय से भारत में पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे अशांति फैलेगी। भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए नेताजी 1936 में भारत लौटे। आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 1937 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस 7 राज्यों में सत्ता में आई और सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। उन्हें 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान नेताजी ने राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। वे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए 6 महीने का समय देने का प्रस्ताव लाए और ऐसा न करने पर विद्रोह की बात कही गई थी। प्रस्ताव के विरोध के बाद नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और प्रगतिशील समूह बनाया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के विरोध के लिए जन आंदोलन शुरू किया। कलकत्ता में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में नेताजी पठान के वेश में नाटकीय ढंग से देश से निकल गए। वे अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। जनवरी 1942 में उन्होंने बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो से प्रसारण शुरू किया जिसका भारत में जबरदस्त उत्साह से स्वागत किया गया। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो।
जुलाई 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस से पूर्वी एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने आजाद हिंद फौज को संगठित किया। नेताजी ने गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद के नाम पर INA की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की भी रेजिमेंट थी, जिसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में INA में अनेक युद्धबंदी और हजारों स्वयंसेवक शामिल हुए। आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद करवाया और बर्मा को पार करते हुए 18 मार्च 1944 को भारत में दाखिल हुई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की पराजय के बाद INA को पीछे हटना पड़ा, लेकिन नेताजी ने समर्पण नहीं किया और सोवियत संघ के सहयोग से मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। लेकिन खबर आई कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उस समय वे सोवियत संघ का समर्थन लेने के लिए मंचूरिया जा रहे थे। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी रही, क्योंकि ज्यादातर लोगों को विश्वास था कि विमान दुर्घटना के बाद भी वे जीवित थे। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त घोषित किया था। नेताजी का व्यक्तित्व आज भी सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है। महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा, साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी से आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और काल के बारे में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इसे FM गोल्ड और अन्य मीटरों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। दिल्ली में कल रात से हो रही वर्षा से अधिकतम तापमान में काफी कमी आई है। मौसम विभाग के प्रवक्ता RK जैनमणि ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इस वर्ष जनवरी में पिछले 71 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो बारिश हुआ कल अराउंड 18 मिलीमीटर टोटल हुआ नाइट में, तो अभी जो रिकॉर्ड है पिछले जो 1950 के बाद जितना रेनफॉल डाटा है हम कंपाइल किया है उसमें से ये हाईएस्ट है, यानी 71 ईयर्स में ये सबसे ज्यादा बारिश है जनवरी का मंथली टोटल रेनफॉल। और आज से तो ज्यादा रिडक्शन हो जाएगा, दिल्ली में रेनफॉल जो अभी होगा ओनली ड्रिजिल होगा और कल से क्लियर हो जाएगा।
कोई बारिश का संभावना नहीं है राष्ट्रीय राजधानी में। बाकी जो उत्तर प्रदेश के लिए और हिमालयन जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड यही एरिया के लिए हमारा अलर्ट है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा का कम दबाव का क्षेत्र बनने से कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और हिमपात हो सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक के बाद दिए गए दिशा निर्देश आज अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर विस्तार से दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में 31 जनवरी तक रैलियों पर रोक और प्रचार में कुछ छूट की खबर भी अखबारों में प्रमुखता से है। लगभग सभी अखबारों ने चुनावी राज्यों में हो रही राजनीतिक गहमागहमी की विस्तार से चर्चा की है। समाचार पत्रों ने विभिन्न दलों की ताजा गतिविधियों को अहमियत दी है। देश में कोरोना की स्थिति पर भी सभी अखबारों की नजर है। दैनिक जागरण लिखता है संक्रमण से उबड़े तो 3 महीने बाद लगेगा टीका। जनसत्ता और राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कि तीसरी लहर में एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा 45 मौतें। हिन्दुस्तान खतरा शीर्षक से लिखता है महीने भर में दोबारा हो सकते हैं कोरोना संक्रमित। अमर उजाला की खबर है अध्ययनकर्ताओं ने डेनमार्क, फ्रांस और भारत सहित 40 देशों में संक्रमण के नए स्वरूप फैले होने का दावा किया। प्रधानमंत्री के कल देश के पिछड़े जिलों को विकसित करने के लिए जिला अधिकारियों के साथ हुई बैठक पर भी सभी अखबारों ने विस्तार से समाचार दिए हैं। आज से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत पर अखबारों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा आज इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किए जाने की खबर के साथ राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कि सुभाष नाम से हर भारतीय गर्व करता है। हरिभूमि लिखता है दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की अवधि होगी 90 मिनट, दिखाई देंगी 21 राज्यों की झांकियां। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है रेलवे का नया फरमान, रात को मोबाइल पर ऊंची आवाज पर बातें नहीं, रात्रि 10 बजे के बाद ये दिशा निर्देश लागू होंगे। समूह में यात्रा करने वालों पर भी रेलगाड़ी के अंदर देर रात तेज आवाज में बातों पर रहेगी पाबंदी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। निर्वाचन आयोग ने रैलियों और रोड शो पर लगाया प्रतिबंध, 31 जनवरी तक बढ़ा दिया। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 53 और मणिपुर के लिए 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 161 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सरकार देश में कृषि प्रबंधन में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कतर के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कुवैत के विदेश मंत्री अहमद नासिर मोहम्मद अल सबा से भी विचार विमर्श किया। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ।